विकास कार्यों की मंडलीय समीक्षा कमिश्नर अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में कमिश्नर ने महाराजगंज जिले में PMGSY के कार्यों की सही जानकारी न देने पर अधीक्षण अभियंता RES का स्पष्टीकरण तलब किया। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि लेखपालों के माध्यम से ETC सेंटरों PSC CSC पर डॉक्टरों की उपस्थिति के फोटोग्राफ कराकर मंगवाएं। उन्होंने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि कैंप लगाकर सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। कमिश्नर ने सभी बंधों के रेट होल एवं रेन कट के लगातार निगरानी कर उसे ठीक कराया जाए तथा बाढ़ चौकी एवं राहत शिविरों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कराते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। पॉलीथीन के रोकथाम के लिए दुकानदारों को जागरूक करने के साथ ही प्लास्टिक के प्रयोग को रोकने के भी निर्देश दिया। उन्होंने यूनिफॉर्म वितरण, सेतु निर्माण, किताबों के वितरण, 50 लाख से ऊपर की लागत से बनने वाली विभिन्न सड़कों, अमृत योजना, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, गन्ना भुगतान, नहरों में टेल फीडिंग, बाढ़ की तैयारियों, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, संपूर्ण समाधान दिवस, IGRS गेहूं खरीद में किसानों के भुगतान की स्थिति, साफ सफाई एवं LED लाइट की स्थापना कर क्रेतर तथा एंटी भू माफिया आदि की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, देवरिया सुजीत कुमार, कुशीनगर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, महाराजगंज अमरनाथ उपाध्याय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कुशीनगर में पिछले 3 साल से 30% बारिश हुई है और देवरिया में 30 से 40% हुई है। 2 एकड़ में 50 से 55% हुई है पिछले बार, इससे पहले उससे कम थी और महाराजगंज में उससे बेहतर है। दो साल पहले सुधीर जब तुम नहीं थे तो आपके यहाँ देवरिया में हम लोगों ने FIR लॉन्च कराया था। 2016 की बात है, तुम तो थे। आप तुरंत 2-3 FIR चारों जिलों में करा दीजिए जिसका प्रभाव पड़ता है, अखबारों में निकलवाइए उसको। बीज बीज का समय से जो बीज का उत्पादन वहीं से होना है जी सर,